जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। आपकी बात में फकर को ले लिया, आप मजीद किस खिलाड़ी को लेने की तमन्ना है पूरे PSL में से, इस पर नजर जमी हुई और इस तरह यकीनी तौर पर मुकाबला सख्त होगा, तो खास प्लानिंग आप लोगों ने मजीद की जिसको बेहतर बात करा तीसरी बार जो ट्रॉफी दी है? देखिए उसमें नाम लूंगा तो अंदर बूटी चली जाएगी। आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए सबसे पहले आपने जो आपकी टॉप पिक्स होती है उसमें आपने अपनी फाइनल 11 बनानी होती है, जो जो गैप्स हैं उनको आप फिल करते जाते हैं। जब आपकी टीम बन जाती है तो उमन आप उसको ना सिल्वर की एक आधी पिक में अपनी टीम 11 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपने जाना होता है अपने बैकअप्स के ऊपर, क्योंकि ये बहुत जल्दी मैचेस होते हैं। जैसे लाहौर के जो है पहले 10 दिन में 6 मैचेस होने हैं, उसमें आपके पास ऑप्शन होनी बहुत ज़रूरी है। ऑलराउंडर है तो आपके पास बैकअप में भी हो उसका रिप्लेसमेंट, फास्ट बॉलर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है बैकअप रखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका मर्जिंग प्लेयर, क्योंकि वो तो आपने खिलाने ही खिलाने, तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है। और जहाँ तक हम बड़े कम्फर्टेबल अभी तक चले आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम RS राउंड, हमारा अपना ही ट्रेंड हुआ हुआ अमर्जिंग आता है, उसको पता होता है जिस तरह से वो ट्रेंड हो रहा होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका फोकस होना चाहिए और क्या रोल उसे जाके टीम में मिलेगा। आके भाई राशिद खान के हवाले से कि वो शायद ना आ सके के वाले से, तो क्या कम्बिनेशन परफेक्ट होगा आपका? और दूसरा ये बता दें वांडर डोसे को आपने दिया है, तो उनकी जो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस थी उसके उसको देखते हुए दिया या कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने लॉरी को सरप्राइज किया? नहीं देखिए, जो आपका पहला सवाल था कि राशिद खान का, देखिए राशिद खान एक ऐसा प्लेयर है कि अगर दुनिया में कोई भी लीग हो और एक प्लेयर आपको चुनने की आपके पास ऑप्शन हो तो राशिद खान ही होगा, उसकी कमी तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी दुनिया का प्लेयर कर सकता है, बट इंजरीज आती रहती हैं, बट राशिद खान जो है वो कलंदर्स फैमिली का एक हिस्सा है, और गेम से बढ़ के तो कई चीज़ें होती हैं। तो आई थिंक अभी नहीं खेलेगा, अगले साल खेल लेगा। तो दूसरी चीज़ आपने पूछी दोस्तन के बारे में, तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी बैलेंस टीम का, कि आपको 4 नंबर पे एक प्लेयर चाहिए, फिर आपको इस तरह से नंबर्स आप पूरे करते हैं, नाम एट टाइम्स मैटर नहीं करते, बट डोसन ने जिस तरह का वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और जिस तरह से उसने परफॉर्मेंसेस दी है, आई थिंक हमारे लिए तो ये एक बेस्ट पिक जो आप कह सकते हैं भाई। आपने ये कैंपेन थी और भरपूर तरीके को आपने उसको बैक भी किया, शाहीन अफरीदी आखिरकार जो है वो T20 कौमी टीम के जैसा वो कप्तान बन गए, अब आज जो फैसला हुआ जो ऐलान हुआ कि टेस्ट टीम के नए कप्तान है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और उनकी कैप्टेंसी और उनको जो है वो उसको अपने डिफेंड करना इस ट्रॉफी को, वो उनका क्या कैलिबर कैसे समझते हैं? देखिए एक तो मैं उसकी कप्तानी की कंपेन में बिल्कुल नहीं था, उसकी एक वजह है कि चूंकि शाहीन ने करियर हमारे साथ शुरू किया इस फ्रेंचाइज से और दुनिया का सुपरस्टार बन गया, अगर ये किसी और भी टीम का होता तो क्या आपका जो T20 का कप्तान है उसकी उसकी सिलेक्शन और उसकी कप्तानी के लिए कंसीडर करना, ये PSL से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म तो हो नहीं सकता। जो PSL में परफॉर्मेंस देता है आउटस्टैंडिंग एक दो साल में, आप उसको पाकिस्तानी टीम